बर्तन ले लिए टोप, आपको यहाँ पर नॉन स्टिक बर्तन नहीं लेना है इस तरीके का जर्मन का, या तो फिर आप स्टील का बर्तन लीजिएगा। यहाँ पर मैं पैराशूट हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ जो हम अक्सर घर पर लाते हैं। ये हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठंडा होता है, लेकिन जैसा कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है या तो फिर आप कह सकते हो क्या डैंड्रफ हो जाते हैं, या तो आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद में भी हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए हमने ये सिंपल ऑयल बताया। तो 1 कप पैराशूट ऑयल लेना है, और उस हिसाब से यहाँ पर मैंने बजाज आलमंड ड्रॉप जो बादाम का तेल होता है 2 से 3 चम्मच लेना है। और ये देखिए यहाँ पर मैं इसे डायरेक्टली डाल रही हूँ, 2 से 3 चम्मच लिए हैं ये बर्तन में। और ये जैसा कि 1 कप कोकोनट ऑयल है उसके हिसाब से हमने सारी चीज़ें ली है। 1 चम्मच मेथी के बीज, ये अक्खे मेथी के बीज होते हैं वो लेना है। और 1 चम्मच यहाँ पर हमने कलौंजी लिया है, कलौंजी हेयर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और 1 कप ऑयल के हिसाब से हमें यहाँ पर 1/2 कप कड़ी पत्ता लेना है, जो फ्रेश कड़ी पत्ता है वही लीजिएगा, जिससे कि ऑयल बहुत ही अच्छा बनेगा। यहाँ पर हमने इसे मिक्स करने के बाद में यहाँ पर गैस पर हमने इसे रख दिया। यहाँ पर एकदम लो फ्लेम पर हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए 20 से 25 मिनट तक पकाना है। यहाँ पर टाइम आप थोड़ा कम या ज़्यादा लग सकता है, आपके गैस के फ्लेम के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर एकदम लो फ्लेम पर पकाई हूँ, और जैसे इस तरीके के बबल्स दिख रहे हैं क्या, वाइट वाइट कलर के, जैसे फेस आता है, तो फेस आने के बाद में ये ऊपर आ जाता है तो नीचे गिरने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाते। देखिए कुछ इस तरीके से, ताकि ये नीचे गिरे नहीं और जो ऑयल है हमारा अच्छी तरीके से पक जाए। और जो कलुंजी के बीज और जो मेथी के बीज हमने यहाँ पर डाले हैं वो भी स्पून से हम इस तरीके से चलाते हुए रहेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे ज़्यादा क्यों पकाना होता है, क्योंकि जो कलुंजी का और जो मेथी के बीज है उसका अर्क है इस तेल में पूरा आ जाना चाहिए, कड़ी पत्ते का अर्क इसमें आ जाना चाहिए, इसलिए हम इसे 20 से 25 मिनट तक धीमी गैस पर पकाते हैं, फास्ट फ्लेम पर नहीं पकाना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसे पका ली अच्छे से, इसका कलर देखिएगा कुछ इस तरीके का हो गया, कड़ी पत्ते का जैसे कि वाइट वाइट बबल्स कम हो गए हैं, कड़ी पत्ते का कलर कुछ इस तरीके का हो गया। बस इसके बाद में हमें यहाँ पर 5 मिनट पकाना है। यहाँ पर मैंने आपको पूरा वीडियो बताई हूँ क्या स्टेप बाय स्टेप इसका कैसा कलर चेंज होता है। जैसा कि आपको मतलब हेयर शैम्पू कैसे बनाना है वो हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और ऑयल भी कैसे बनाना है जो सिंपल तरीके से वो भी हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और आपको हेयर पर अप्लाई कैसे करना है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या तो आप ऊपर का आई का बटन क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए यह हमारा जो ऑयल है वो अच्छी तरीके से 20 से 25 मिनट तक पक चुका है। तो अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ढक कर ओवरनाइट के लिए छोड़ देते हैं, और नेक्स्ट डे हम इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, दूसरे दिन सुबह में हम इसे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका कवर निकाल दी हो, और ये तेल है वो अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। देखिए इसका कलर देखिए कितना चेंज हो गया, यहाँ पर हम इसे छान कर ही यूज़ करेंगे। तो देखिए कितना परफेक्टली, जैसा कि ओरिजिनल पैराशूट का ऑयल का कलर होता है ट्रांसपेरेंट, ये वैसा नहीं है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, क्योंकि जैसा कि ये गर्म ऑयल था तो हमने इसे ओवरनाइट के लिए ढक कर रख दिए थे पूरी रात के लिए। जैसा कि आपको इसे सुबह में अप्लाई करना है तो आप इसे रात में बनाइएगा। ये देखिए परफेक्टली हमारा जो ऑयल है वो रेडी हो गया है। तो आपके हेयर की लेंथ कितनी है आप उसके हिसाब से इसे अप्लाई कर सकते हैं, आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, 1 से 1.5 महीने के लिए आप इसे इजीली स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद में फ्रेश बनाकर यूज़ करिएगा। और जो ये बर्तन में जो कड़ी पत्ता और जो ये बचा हुआ है आप इसे एयरटाइट डब्बे में पैक करके नेक्स्ट टाइम आप इसे यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कहा जाता है इसे, आप इसे यूज़ कर सकते। तो देखिए हमारा यहाँ पर कितना झटपट और कितना परफेक्ट, आप इस तरीके से हेयर ऑयल बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। मैं अक्सर इस तरीके से ही हेयर ऑयल बनाकर लगाती हूँ, आपको मेरे बालों का हेयर का लेंथ देखकर ही आप समझ ही गए होंगे कि अब मेरी हेयर की ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो आप भी इस तरीके से बनाकर ट्राई करिएगा। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय। Bye-bye.